सरकार की आलोचना करने की शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। जो सरकार चाहती है वह अपने हिसाब से नियमों का पालन कराती है। लोगों को अपने भावों को एक्सप्रेस करने की पावर नहीं मिलती है। तो वाल्टर थर्मो एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने इसके बारे में कहा है, इफ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एब्सोल्यूट पावर एंड टोटल अथॉरिटी हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल और हिज फैमिली, किसी भी छोटे समूह या व्यक्तिगत इंसान के द्वारा पूरे देश की शासन को चलाया जाता है और उसके द्वारा ही सारे नियमों का पालन करवाया जाता है। सो ये डिक्टेटरशिप के अलावा भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, रिपब्लिक, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, एनार्की। ये कुछ डिक्टेटर्स हैं और उनकी कंट्रीज, जैसे टर्की के डिक्टेटर थे मुस्तफा कमल, इटली के डिक्टेटर थे मुसोलिनी, जर्मनी के डिक्टेटर थे हिटलर। इसी तरह कई देशों में भी कई डिक्टेटर्स देखे गए हैं, इसलिए हिटलर, ये मुसोलिनी, ये सारे डिक्टेटर्स हैं जिन्होंने समय समय पर अपने देश में शासन चलाया। ये टाइप्स ऑफ डिक्टेटरशिप, सबसे पहले आती है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। इसमें किसी मिलिट्री ग्रुप के द्वारा पूरे देश का शासन कंट्रोल किया जाता है, वही सारे नियम कानूनों को अप्लाई करते हैं। दूसरी है वन पार्टी डिक्टेटरशिप, इसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या लीडर के द्वारा पूरे देश का शासन चलाया जाता है। तीसरी है पर्सनल डिक्टेटरशिप, इसमें किसी सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा पूरे देश का शासन चलाया जाता है। ये करेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले अनलिमिटेड पावर, किसी भी डिक्टेटर के पास को अनलिमिटेड पावर प्राप्त होती है, वह अपनी पावर्स का यूज करके पूरे देश में शासन चलाता है। दूसरी है वन पार्टी ग्रुप, इसमें केवल एक ही पार्टी होती है, उसके अपोजिशन में कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होती है, जिसकी वजह से यह अपना शासन सुचारू रूप से चला पाता है। तीसरी है टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसमें जनता की सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य रहता है कि लोगों में डिक्टेटर के प्रति अपनी अच्छी भावनाएं उत्पन्न हो, जिससे उनको ये ना लगे कि ये हम पे तानाशाही शासन चला रहा है। अभी है सैंक्टिटी ऑफ स्टेट, इसमें शासन की पवित्रता को बनाए रखने का पूरा पूरा प्रयास किया जाता है। इसमें यह लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो देश के लिए अपना सब कुछ नौछावर करने के लिए
और लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये कुछ डिक्टेटरशिप के डिमेरिट्स हैं। इसमें पहला है बेस्ड ऑन फोर्स एंड वायलेंस। जो डिक्टेटर होता है वो फोर्स का वायलेंस का सहारा लेता है। जब कोई भी देश में ऐसा गुनाह करे या कोई व्यक्ति से छोटी सी भी गलती हो जाती है तो वो उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रबंध रखता है, जिसके कारण अहिंसा बंद होती है। डिक्टेटरशिप में युद्ध की स्थिति ज़्यादा उत्पन्न होती है क्योंकि लोगों को जब चूँकि अपने विचार बंद करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, इसके कारण में नफरत की भावना पैदा होती है। मिसकंसेप्शंस बनते हैं कि सरकार हमारे लिए अच्छे नियम कानून नहीं बना रही है, इसलिए उनमें आपस में युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, जैसा कि वर्ल्ड वॉर टू के समय भी देखा गया है। अगला है डिस्करेज इनोवेशन। लोगों को नई नई इनोवेशन करने की क्षमता भी कम हो जाती है क्योंकि उनको मौका नहीं दिया जाता, उनकी क्रिएटिविटी बहुत ही कम हो जाती है। जो भी जिसकी कोई कला में अगर कोई श्रेष्ठ है तो इस सरकार के द्वारा उसको दबा दिया जाता है। अगला है डिपेंडेंट अपॉन द स्किल्स ऑफ द लीडर। इसमें अगर वो जो शासक है अगर वो काबिल है तो ये ठीक है, अगर वो काबिल नहीं है, उसने कुछ ऐसे नियम बना दिए हैं जो देश के भविष्य के लिए सही नहीं है तो इसमें कोई नेतृत्व का विरोध नहीं कर पाता है और उसका खामियाजा जनता को भुगतना होता है। नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ पावर। जो डिक्टेटर के पास अनलिमिटेड पावर मिलती है लेकिन उन अनलिमिटेड पावर को यूज़ करने के लिए उसके पास वो उसके लिए कैपेबल होना चाहिए। अगर वो कैपेबल नहीं है तो वो उनका मिसयूज कर सकता है, अपने लिए ऐसे नियम कानून बना सकता है जो जनता के लिए शायद सही नहीं हो लेकिन उसके खुद के भले के लिए वो ऐसे नियम बना सकता है। अगला है इनकरेक्ट डिसीजन। चूँकि डिक्टेटर के पास उसके साथ कोई सपोर्टिव पार्टी नहीं होती,